नमस्कार। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से कांग्रेस शासनकाल में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र किया था। इसके अलावा जो एक असहिष्णुता का आरोप मोदी सरकार पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जाता रहा, उसका बहुत करारा जवाब दिया था और बुधवार को भी उनका ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन राज्यसभा में उन्होंने खास तौर से कांग्रेस पर बहुत तीखे प्रहार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस को इस चुनाव में 17 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली है और इसके बावजूद कांग्रेस कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई देती है और कभी उसके नेता या उसके समर्थक ये तर्क गढ़ते हुए या कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारत हार गया, मोदी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मोदी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, बहुत दिलचस्प हैं और इतने कड़े और इतने करारे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में बैठे हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी तिल मिलाए हुए थे, बगले झांक रहे थे, उसी तरीके से राज्यसभा में बैठे हुए कांग्रेस और विरोधी दलों के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था, उनके चेहरे उतरे हुए थे। इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए लेकिन देश चुनाव हार गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, ये गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया, मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश। अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं, सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य, 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई है, देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है, इतना ही नहीं, आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए। 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन दिन भर कतार में खड़े, 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे, कई ऐसे चुनाव का काम का जिम्मेवारी संभालने वाले अधिकारी, 2 दिन पहले मां की मृत्यु हुई है लेकिन चूंकि चुनाव के अधिकारी के नीचे जिम्मेवारी है, वो ईवीएम मशीन का दफ्तर उठा करके किसी गांव में गया है ड्यूटी करने के लिए। कितने कितने लोगों के तपस्या के बाद ये चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई,
मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया को खरीद लेता है क्या और खरीद करके करते हैं? और जिन राज्यों में, क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा क्या? क्या केरल में यही लागू होगा क्या? जो लोग हार गए हैं, जिनके सपने चूर चूर हो चुके हैं, जिनके अहंकार को चोट पहुंची है, वो देश के मतदाताओं का अभिवादन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं सर झुका करके भारत के कोटि कोटि मतदाताओं का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाने वाली उस व्यवस्था सूझ के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे सब अफसर, सिक्योरिटी के लोग, इलेक्शन कमीशन, ये सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँ। यहां पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में दो रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता दो या तीन बस, दो या तीन बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, हमारे विचार पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था और परिश्रम करने की, त्याग करने की, पराकाष्ठा करने की हमारी तैयारी थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया, हमसे हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया, लेकिन करके दिखाया। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। हमने उस समय पोलिंग बूथ कैप ये हुआ था, डिकना हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हम हार गए, रोना धोना नहीं, हार गए, फिर से काम करेंगे, पुनश्चर्य हो, हम निकल पड़े और हम परिणाम भी लेकर के आते चले आए। लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब फिर बहाने खोजे जाते हैं। और इसलिए आत्मचिंतन करने की जिनकी तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं, ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया है, हम नहीं आ रहे, वो तो ईवीएम के कारण आ रहे। मैं समझता हूं इस प्रकार से न हम राजनीतिक कैडर का भला करेंगे, राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए, अपने कैडर को तैयार कीजिए, फिर और चुनाव एक थोड़ा पूरा हो गया और चुनाव आने वाले हैं। इस प्रकार की निराशा का क्या मतलब है? आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।